हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल वेगन ईटर्स। तो आज मैं आपके लिए एक टू इन वन रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं व्हीट ओटमील ब्राउनीज कुकीज़। ये रेसिपी आपको कुकीज़ का टेस्ट भी देगी और ब्राउनीज़ का टेस्ट भी देगी। तो एक कुकी को मैं ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इंटरनली बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनती है और आउटर पार्ट इसका बहुत ही क्रिस्पी है। तो आज मैं आपको इसे अवन में और विदाउट अवन दोनों तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। और इसमें हम बिल्कुल मैदे का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आप ये किड्स के लिए बना रहे हैं तो उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल वेगन ईटर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। यहाँ पर मैंने 1/4 कप ले लिया है घी। आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं। 1/2 कप इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो विस्कर भी ले सकते हैं। इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक कि एकदम से क्रीमी एंड फ्रॉदी नहीं हो जाता। तो 5 से 6 मिनट इसमें लग जाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा क्रीमी हो गया है। तो इस टाइप का हमारे को टेक्स्चर इसमें चाहिए। तो ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 कप गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर। तो यहाँ पे 2 कप ऐड कर देते हैं। 1/2 कप मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड किया है। अब थोड़ा सा दूध ऐड करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे सारे इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। जो मिल्क है वो ग्रेजुअली ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। तो ये देखिए, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो तैयार करेंगे। तो डो जो है हमारे को सॉफ्ट टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। तो जो टोटल मिल्क हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो 1/2 ग्लास यूज़ किया है। 2/3 कप मैं ऐड करूँगी ओट्स, कोई भी ब्रांड का ओट्स आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो दूध ऐड करते हुए हम इसे एक डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो गया है। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें और थोड़ा थोड़ा डो को लेते जाएं और कुकीज़ बनाएं। तो इस टाइप से हाथों में एक पेड़ा टाइप का बना लेंगे और देन उसके बाद हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो जो कुकीज़ आप बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पतली मत बनाइएगा, थोड़ी सी थिक रखिएगा। बहुत ही अच्छी कुकीज़ बनती हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो ये देखिए, एक कुकीज़ हमारी रेडी हो गई है। तो सिमिलरली हम बाकी कुकीज़ भी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कुकीज़ रेडी हो गई हैं। इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे चोको चिप से, देखने में ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी आप कुकीज़ को घर में तैयार कर सकते हैं। और किड्स के लिए बना रहे हैं तो व्हीट से ही बनाइएगा, मैदे वाली ना बनाइएगा। तो आइए इसे बेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रीहीट कर लिया है ओवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे और 20-25 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। कढ़ाई के लिए मैंने 10 मिनट के लिए कढ़ाई को भी प्रीहीट कर लिया है और 30-35 मिनट तक हम इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। बीच बीच में आप एक बार चेक करते रहना कढ़ाई में ताकि ये जल ना जाए। तो ये ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो जो कुकीज़ हमने अवन में बेक किए हैं उसे 25 मिनट्स लगे हैं रेडी होने में। ये देखिए, मैंने इसे रिमूव कर लिया है। और जो हमने कढ़ाई में बेक किया है उसे ऑलमोस्ट 32 मिनट्स लगे हैं। तो ये देखिए, हमारी जो कुकीज़ है वो बनकर रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप वेगन ईटर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल अवेलेबल है, जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई रिव्यूज़ हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।